पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे चट्टी है, इसके पीछे चट्टी है। अब आया वक्त झोला उठा के, पूरा देश देख चुका, पूरा देश देख चुका, क्योंकि अब भारत का बंदा, क्योंकि अब भारत का बंदा गहरी नींद से जाग चुका, गहरी नींद से जाग चुका। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसडीपी है जिंदाबाद, एसडीपी है जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसडीपी है जिंदाबाद, एसडीपी है जिंदाबाद। आज कल के तहसीलदार ऑफिस के बाहर हम लोग अपना एहतजाज दर्ज कराने आए हैं। ये एहतजाज में हम लोग मेमोरेंडम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सवाल है मेमोरेंडम किसे दिया जाए। आज जो बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े बड़े पोजीशन पे आज जो बैठे हैं, इंडिया को रूल कर रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं, वो खामोश है। बहुत अफसोस की बात है, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में आज डेमोक्रेटिक नाम या अल्फाज की बेइज्जती की जा रही है। आज डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कुचला जा रहा है। दिल्ली में जो वायलेंस हुआ, ये लगभग 80 डेज से पहले इसकी शुरुआत हुई। सब लोग CAA कानून क्या है बोलने की कोशिश कर रहे थे। CAA कानून ये क्यों लाया गया, ये क्या है? तभी बीजेपी की तरफ से ये जवाब आ रहा था कि ये CAA कानून नागरिकता देने का एक कानून है, और NRC NPR ये इंडिया को मजबूत करने की, इंडिया के जो बाहर से घुसपैठिए आए हैं उनको निकाल के भगाने का एक सिस्टम है। तो CAA जब भी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एहतजाजा शुरू हुए। शाहीन बाग जैसे बहुत से बाग हिंदुस्तान में खुले गए, तो उसके खिलाफ ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशन कानून है। कानून हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके सख्त खिलाफ ये कानून बनाया गया है। ये बड़े बड़े लोग जो रिटायर्ड जस्टिस, जजेस, बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तक बाहर आके इसको, इसकी अपोजिट में आके रुकने लगे। तभी सब लोग कंफ्यूज थे। हालांकि बाद में अमित शाह की जो रैलीज प्रोग्राम, उधर अमित शाह की बात, हम लोग एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग किसको देख लेंगे, योगी बोलता है हम लोग बदला लेंगे, ऐसे एक जो चीज़, जो रवैया जो बीजेपी CM और इंडिया के हमेशा जैसे लोगों से हम लोगों को देखने में मिला, तो ये सब भी जो क्या कर रहे थे, हम लोग सवाल में थे, इसलिए ये क्यों लाए हैं।
ये आसानी से भी ला सकता था, एक कानून के तरीके से ला के पूरे सब लोगों को परेशान करना। अगर गल्फ कंट्रीज में वीज़ा अप्लाई करना होता है दूसरों को, या तो नेशनलिटी लेना होता है, वो अपने ऑनलाइन सिस्टम या तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाके, ये कानून को ला के ऐसे एक ड्रामा करना, ये क्यों था बोलने का सबका सवाल था। ये कल का जो दो तीन दिन का वाकया है ये उसका जवाब है। ये लोग हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके, वहाँ एक एक वीडियो आप देखें, मुल्ला लोगों भाई क्या बोल, आज जो CAA कानून ये दिन के लिए बना गया था, आज जो MLA है वो MLA लास्ट टाइम आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर था, तो वो आज क्या कह रहा है कि पुलिस को बाजू में रुका के वो अपनी बात कह रहा है कि पुलिस अगर आप लोगों को दो दिन में अमेरिकन राष्ट्रपति यहाँ से नहीं जाता वो जाने तक इनको खाली नहीं कहता, हम लोग इसको खाली कर, उनको खाली करने का अंदाज ये है। मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान में ऐसे गन लेके लोग आम घूमते हैं, मैं सुन रहा था, मुझे पता नहीं, मुझे थोड़े लोग बोले, घूमते हैं उधर शूट होता है, बहुत जुल्म होता है। आज ये RSS के गुंडे शायद पाकिस्तान से आए होंगे, तो वो लोग वही चीज हिंदुस्तान में कर रहे हैं। आज आज हिंदुस्तान के इस हालत जो हिंदुस्तान के हालात है, BJP के साथ कांग्रेस भी उतना ही हकदार है। अगर कांग्रेस इनको वही टाइम में दबाता, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन RSS को तभी ही वो लोग खत्म करते, आ तो आज हिंदुस्तान का ये मंजर नहीं रहता। अगर काश हम लोग ये प्रोटेस्ट 30 साल पहले लोगों को अवेयर करते कि RSS ये दो हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान के संविधान का दुश्मन है, आज उनको मनस्थिति लाना है, संविधान को खत्म करना है। साफ साफ हम लोगों को नजर आ रहा है CAA संविधान के खिलाफ है, ट्रिपल तलाक मुसलमानों के कानून के खिलाफ है, वो हमारा संविधान सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपनी आवाज और अपने तरीके से जीने का इख्तियार रखता है। यहाँ लोग नंगे घूम रहे हैं, बुर्का पहनने पे यहाँ पाबंदी लगाई जा रही है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से ये मनवी करता हूँ कि आइंदा जो ये देखो इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही हमारा हक है, ये प्रोटेस्ट एहतजाजात ये हमारा हक है, इसको कोई भी नहीं छीन सकता। आप लोग डरने की कोई ही जरूरत नहीं है, हमारे ऊपर केस होगा, हम लोग हाईकोर्ट को जाएंगे, हाईकोर्ट को जाके जो हमारे ऊपर जो हमारे हक को छीनता है उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। बेंगलोर के गोलीबार में कमिश्नर हाईकोर्ट को जा रहा है, हाईकोर्ट को जा रहा है, उसको लेके गए हम लोग इधर भी, जो लास्ट टाइम हमारे को हम लोगों को प्रोटेस्ट करने में, जब भी दिल्ली में गोलीबार हुई उसके प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दिया गया, उसके लिए भी हम लोग धारवाड़ हाईकोर्ट जा रहे हैं, वो भी लेके हम लोग ऑन राइटिंग डिपार्टमेंट दिया है, हम लोग उसको लेके हाईकोर्ट जा रहे हैं। हम लोग एक हफ्ते में पिटीशन दर्ज कर रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कैसे ये लोग प्रोटेस्ट करने नहीं देते। प्रोटेस्ट के इंटीमेशन 10 दिन पहले देना बोल के नहीं है, कोई शादी नहीं कर रहे, जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाना है, वो हमारा हक है। इंशाल्लाह यही बात मैं आप लोगों को समझाना था, बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये वटकल बहुत खूबसूरत ये है। हम लोग और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, हमारी लड़ाई हिंदू या दूसरे कम्युनिटी से नहीं है, हमारी लड़ाई RSS जैसे सोच जो भी रखता है उसके खिलाफ है, वो मुसलमान क्यों ना हो, वो क्यों ना हो, हम लोग उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ से, यहाँ के हम लोग इंडिया के लोग हैं, तो इसके लिए हम लोगों को इधर से इनको निकालने की ख्वाब है, तो ये हमारे रक्त से आखिरी बूंद तक हम लोग लड़ेंगे, उसके बाद ये लोग निकाल सकते हैं। एक दो तीन दिन से हमारे देश की राजधानी में एक वायलेंस चल रहा है, एक ऐसा एक माहौल बिगाड़ा जा रहा है, तो कई दिनों से देखते हैं तो एक बहुत सारे रिपोर्ट्स में मिलता है, अखबारात में मिलता है कि दिल्ली में पुलिस के रहने के बावजूद भी
वहाँ के जो आरएसएस के जो गुंडे जिसका नाम है कपिल मिश्रा, ऐसे गुंडे और इसके अलावा बहुत सारे आरएसएस के गुंडे, इन्होंने पुलिस के रहने के बावजूद भी लाके लॉरियों में लाके वहाँ पे ईंट इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ पे लाके पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसे धमकी बहुत सुनने को मिलता है, अगर तुम लोग दो तीन दिन में यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा वायलेंस करेंगे, बहुत बड़ा हम लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ेंगे, ऐसे भड़काव देने के बावजूद भी। और बड़े शर्म की बात है, डिपार्टमेंट वहाँ के पुलिस के जो डिपार्टमेंट है, पुलिस का जो स्टैंड है वो स्टैंड को खत्म कर दिया, वहाँ के डिपार्टमेंट ने वो स्टैंड को गिरा दिया है। ये एक डेमोक्रेसी, एक हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया है, ऐसी चिड़िया को बिगाड़ दिया है, ऐसे ये पुलिस डिपार्टमेंट शर्म आनी चाहिए। और यहाँ हमारी ये विनती है कि हम लोग ये जब तक हमारा ये आवाज़ बुलंद रहेगी, ये डेमोक्रेसी हमारा जो राइट्स है, हमारी आवाज़ को हर जगह पे हम लोग ऐसे यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम आवाज़ पहुँचाएंगे। यहाँ के जो लोग जो हैं, ऐसे लोगों को शिक्षा मिलने तक, कठिन से कठिन सजा मिलने तक हम लोग ये एहतजाज को बरकरार रखेंगे। जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलेगी, ऐसे सजा मिलने तक हम लोग ये हमारा जो संवैधानिक हक है, ये जमहूरी हक है, हमारा डेमोक्रेसी राइट्स है, इस राइट्स को लेते हुए हम लोग ऐसे लोगों को सजा दिलाएंगे। और सजा दिलाने के साथ साथ ये लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, जो ऐसे जो देश के गद्दार हैं, जो डेमोक्रेसी राइट्स को लूटने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम लोग क्या करेंगे, सजा मिलने तक हमारी जो कानूनी दिफा है, हमारी जो कानूनी लड़ाई है, ऐसी लड़ाई को हम लोग बरकरार रखते हुए इनको वहाँ उनकी जो शिक्षा मिलना है वहाँ तक हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए हमारी कड़ी से कड़ी मेहनत रहेगी। तो सब लोगों से विदा है, हम लोगों के साथ जुड़कर इसको, ऐसे लोगों को, यहाँ के लोगों को जो फ्रीडम चाहिए, जो जस्टिस चाहिए, जो यहाँ पर रहने के लिए तहफ्फुज़ चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, ऐसे राइट्स को बरकरार रखने के लिए हमें सब लोग को मिलकर हमें लड़ना चाहिए। यहाँ के हमें हुकूक मिलना चाहिए, हर लोगों को भूख से आज़ादी दिलाना चाहिए, हर लोगों को खौफ से आज़ादी दिलाना चाहिए। यही बात कहते हुए हम, यही हमारे हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया को बाकी रखने के लिए हमारी कानूनी लड़ाई बाकी रहेगी। इसके लिए मैं मेरी बात इसी के साथ मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते, जीने का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमेशा तू हो बर्बाद, हमेशा तू हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एसजीपीआई जिंदाबाद, एसजीपीआई जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसजीपीआई जिंदाबाद, एसजीपीआई जिंदाबाद।